जोशीमठ शहर में लगातार हो रहे भूधसाव की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ रहे भूधसाव की घटना न सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, तो वहीं अब इसका असर उत्तराखंड के पर्यटन के क्षेत्र में भी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल ये वक्त उत्तराखंड में स्नो सीजन का होता है। उत्तराखंड के मसूरी, चक्राता और जोशीमठ के औली, धनौल्टी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन पर पर्यटक भारी तादाद में आते हैं। खूबसूरत पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी के बाद यहाँ के होटल, टैक्सी और पर्यटन से जुड़े तमाम लोग पर्यटकों के स्वागत के लिए बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार जोशीमठ में आपदा आने से पर्यटकों में डर का माहौल उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से पर्यटक पहाड़ बेहद कम चढ़ रहे हैं। पर्यटकों की कम होती संख्या से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी चिंतित नजर आ रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र सेस्मिक जोन में आते हैं, लिहाजा यहां पर हलचल होती रहती है। हालांकि जापान में भी भूकंप हमेशा आते रहते हैं, बावजूद इसके वहां स्थितियां हमेशा समान रहती हैं। ऐसे में उत्तराखंड राज्य में भी भूकंप रोधी कंस्ट्रक्शन करें, साथ ही प्रभावित परिवारों के लिए फैब्रिकेटेड शेल्टर का निर्माण हो। महाराज ने पर्यटकों से बुकिंग कैंसिल नहीं करने की अपील की है। बता हूं कि जोशीमठ के अंदर ये हादसा हुआ है, हमारे पहाड़ के अंदर सेस्मिक जोन है, यहाँ मूवमेंट चलती रहती हैं। और मैं उदाहरण दूंगा जापान का, जापान के अंदर निरंतर भूकंप आते रहते हैं, फिर भी उनकी जो हैं फास्ट ट्रेन चलती रहती हैं, लोग वहाँ रहते हैं, उनके होटल्स, उनके सारे जो घर हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं कि सब भूकंप विरोधी होते हैं। आने वाले समय में हम भूकंप विरोधी कंस्ट्रक्शन करें, जो वहाँ पर प्रभावित हो गए हैं उनके लिए प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेस बने। तो मेरा ये मानना है कि और जो हमारे यमुनोत्री हैं, गंगोत्री हैं, केदारनाथ हैं, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो बहुत से लोग हमारी बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं सभी पर्यटकों से ये नम्र निवेदन करूँगा कि हमारे उत्तराखंड में निश्चित रूप में आइए। आप यमुनोत्री आ सकते हैं, गंगोत्री आ सकते हैं, हर्षल की तरफ आ सकते हैं। बता दें कि मौजूदा समय में प्रदेश की जीडीपी में 35% योगदान पर्यटन क्षेत्र का है, इसे और बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं। बीते कुछ सालों से उत्तराखंड में पर्यटन बढ़ा है, तो वहीं कभी कोविड, तो कभी बारिश, तो कभी भूकंप, तो कभी जोशीमठ जैसी घटनाओं की वजह से प्रदेश को आर्थिक स्तर पर नुकसान उठाना पड़ा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जोशीमठ में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ वार्ड या फिर छोटे हिस्से में है, इसलिए अगर आप जोशीमठ के हालातों के बाद अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें, क्योंकि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां आपका इंतजार कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।